Energy Live, a platform to sharing your thoughts. Rose. नमस्कार, मैं हूं अमित कल्ला और आप देख रहे हैं सिटी लाइव। सिटी लाइव के इस विशेष कार्यक्रम आज डायलॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आप सबका इस्तकबाल। आज हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान हैं जो फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी विधा से जुड़े हुए हैं। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है, विश्व फोटोग्राफी दिवस, तो हमारे साथ में बहुत ही हमारे जयपुर के प्रोमिनेंट फोटोग्राफर्स हिमांशु व्यास साहब हैं, महेश स्वामी जी हैं और कला मर्मज्ञ श्री हेमंत शेष जी हमारे साथ में हैं। हेमंत जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि हेमंत जी जो हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक बड़े अधिकारी रहे हैं और आप जवाहर कला केंद्र और उदयपुर का जो सांस्कृतिक क्षेत्र कला क्षेत्र है वहां के भी आप डायरेक्टर रह चुके हैं। हेमंत जी ने बहुत फोटोग्राफी की, एक लंबा समय देखा और अभी भी वो निरंतर काम कर रहे हैं और नए नए विधाओं में नए नए तरीके से आप अपनी कला को प्रेजेंट कर रहे हैं। हिमांशु जी जो फोटो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं और एक बहुत अच्छे कला के शिक्षक हैं, आप कवि भी हैं। और तीसरे हमारे जो साथी हैं महेश स्वामी जी MNIT से जुड़े हैं। नमस्कार महेश जी। जी नमस्ते। महेश जी युवाओं को प्रेरणा देने का आजकल बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आज मुनि क्षमा सागर जी, जैन मुनि क्षमा सागर एक हुए हैं, उनकी एक छोटी सी कविता से शुरू करना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है निसर्ग। सूरज ने कहा अपने द्वार खोलो, मेरी रोशनी तुम्हारी होगी। वृक्षों ने कहा मेरे करीब बैठो, मेरी छाया तुम्हारी होगी। नदियों ने कहा मेरे किनारे आकर हाथ बढ़ाओ, मेरी बहती धारा तुम्हारी होगी। मैंने ऐसा ही किया, अब रोशनी मेरी है, छाया भी मेरी है, मेरा जीवन की धारा निर्बाध बहती है। तो ये रोशनी और छाया का एक तालमेल था इस कविता में, इस जैन मुनि क्षमा सागर जी की कविता में। भारतीय ज्ञानपीठ से ये पुस्तक प्रकाशित है, अपना घर। क्योंकि हमारे बीच में दो महत्वपूर्ण कवि भी हैं, हेमंत जी कविता भी करते हैं और हिमांशु भाई भी अपनी तस्वीरों के मार्फत कविता करते हैं, लिटरली प्रैक्टिकली भी कविता करते हैं और फोटोग्राफी में भी उनकी पोएट्री के रिफ्लेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम हेमंत जी की तरफ जाना चाहेंगे, हेमंत सर से पूछना चाहेंगे, अपनी जिज्ञासाओं को और सवालातों को उनके सामने रखना चाहेंगे। सर, प्रसिद्ध दार्शनिक, राजस्थान के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं जो जिनका भारत भर में नाम है, डॉक्टर छगन मेहता, जो बीकानेर से ताल्लुक रखते थे। तो डॉक्टर छगन मेहता के अनुसार फोटोग्राफी जो है वो छाया के मार्फत छाया को पकड़ने की एक विधा है, उसे अंकन करने की एक उन्होंने कला को कहा। सर, किसी भी छाया के चित्र में रूपांतरित होने के क्या पहलू और उसके क्या मायने होते हैं? आप एक दार्शनिक भी हैं तो उस दार्शनिक अंदाज में आप थोड़ा सा इसको खोलें। मैं सबसे पहले तो विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आप सब लोगों को बधाई, हार्दिक बधाई देता हूं और सिटी लाइफ के हमारे सारे दोस्तों को नमस्कार करता हूं। जहां तक छगन मेहता साहब का सवाल है, डॉक्टर छगन मेहता बीकानेर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत के दार्शनिक परंपरा के एक बड़े चिंतक रहे हैं और उनका बीकानेर के सांस्कृतिक जगत में जितना बड़ा योगदान रहा है उससे ज़्यादा दर्शन और चिंतन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। और जो परिभाषा उन्होंने छाया के माध्यम से छाया को पकड़ने की दी है उससे थोड़ा सा मुझे असहमत होना इसलिए जान पड़ रहा है कि हम अगर शब्द फोटोग्राफी को देखें तो फोटो का मतलब है लाइट और ग्राफी मतलब स्टडी। इसका लिटरल मीनिंग तो स्टडी ऑफ लाइट ही है। तो मैं समझता हूँ कि छाया के माध्यम से छाया को पकड़ने की बजाय हम शायद प्रकाश को पकड़ने की कोशिश करते हैं, किंतु छगन जी की ये बात इस अर्थ में कुछ हद तक दार्शनिक रूप से सही है कि बिना छाया के या बिना अंधकार के, अंधकार कह दीजिए उसको या छाया कह दीजिए काव्यात्मक ढंग से, बिना अंधकार के प्रकाश की अस्मिता भी नहीं है। बिना प्रकाश के छाया की कोई अस्तित्व नहीं है और छाया के अलावा फिर प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है।
तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित चीजें हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि छगन जी की भी परिभाषा सही है और फोटोग्राफी जो आमतौर पर कहा जाता है कि स्टडी ऑफ लाइट, वो भी अपने आप में सही है। तो दोनों बातें सही हैं कि हम किसी न किसी रूप से छाया और प्रकाश के जो अंतरमेल हैं उनको पकड़ने की कोशिश किया करते हैं। जी, हिमांशु जी की तरफ अगर मैं बढूं तो हिमांशु जी से जानना चाहेंगे कि सर आज चारों तरफ हम कैमरों से घिरे हैं, चारों तरफ हमारे आज कैमरे हैं, हर हाथ में जैसा बोलते हैं हर हाथ को काम, तो शायद ये कैमरे का काम सभी को मिल गया है इस तकनीक की दुनिया में। तो आज चारों तरफ हम कैमरों से घिरे हैं, हर हाथ में उसकी मौजूदगी है। और एक फोटोग्राफर होने का क्या सबब होता है, उसके क्या मायने होते हैं, एज अ होलिस्टिक आप उसे कैसा बरतते हैं? शुक्रिया अमित जी, हेमंत जी को प्रणाम, महेश जी को प्रणाम और सिटी लाइफ के नमस्ते। दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कैमरे सब तरफ हैं और फोटोग्राफी बहुत आयत में हो रही है, तो मुझे लगता है सीधा स्पष्ट बात पर ही आना चाहिए कि अगर घुंघरू इतने बढ़ते हैं तो क्या नर्तक बढ़ जाते क्या? क्या अगर एंकलेट्स इतनी होती तो क्या डांसर्स की संख्या पे फर्क पड़ता है क्या? तो कैमरे जरूर बढ़े हैं, पर मैंने जो 20-25 साल में फोटोग्राफी करते करते कई चीजें पढ़ी हैं और लगभग प्रतिदिन ही, मैंने समझिए डेडलाइन होती है अखबार के अंदर, और रोजाना ही हमको एक सार्थक चित्र जो कुछ कहे और जिसको अगले दिन हजारों लाखों लोग देखे, वो रोजाना ही खींचना पड़ता है। रोजाना ही जो सामने वस्तुएं, चीजें हैं, लोग हैं, घटनाएं हैं, उनका सामंजस्य बिना शब्दों के, हमारे पास शब्द भी नहीं होते। तो ये सारा जो एक्सरसाइज है, ये सब पिछले 20-25 साल से करते करते समझिए करीबन हमने एवरेज रोजाना के करीब 50 तस्वीरें खींची हैं, 50 या 100 एवरेज माने अगर, ऐसा 25 साल से चल रहा है। और हर तस्वीर में एक एकाग्रता महसूस करी है। और कैमरा, मुझे बड़ा अचरज होता है जब भी डिस्कशन करते हैं कोई यंग फोटोग्राफर से या फोटोग्राफी पे चर्चा होती है, तो वो जब जैसे ही कैमरे से शुरू होती है तो अंदर से एक थोड़ा ये सतर्कता का भाव आता है कि कैमरे से फोटोग्राफी की चर्चा क्यों शुरू होती है, क्योंकि कैमरे बढ़ गए हैं, कैमरों की संख्या बढ़ी है, फिजिकली उनका नंबर बढ़ा है, फोटोग्राफी पे उसका कोई असर पड़ा है ऐसे कुछ नहीं है, कैमरों पे असर पड़ा है, कैमरों की संख्या पर असर पड़ा है, उनके बिकने पे असर पड़ा है, वो अधिक हाथों में दिखते हैं। पर जैसे कि और कलाओं के साथ भी है, फोटोग्राफी भी एक अवेयरनेस का खेल है, एक एक एकाग्रता, एक संजीदगी। इसलिए जैसे पेन है, इनकी संख्या अगर बढ़ती है तो लेखक नहीं बढ़ते साथ में, है ना? जी अच्छे स्पोर्ट शूज अगर मिलने शुरू होते हैं तो बहुत सारे धावक नहीं हो जाते। तो कैमरा और फोटोग्राफी बिल्कुल ही रिलेटेड विषय नहीं है, पर इस विषय को उठाना चाहिए बार बार हमेशा कि कैमरे बढ़े हैं तो फोटोग्राफी पे उसका क्या असर पड़ता है, ताकि हम एक दिशा तय कर सकें। तो मूलतः सर, ये एक एकाग्रता का खेल है। सर आपकी दृष्टि में फोटोग्राफर होना क्या है, मतलब वो किस तरीके का सबब है, एक एज अ फोटोग्राफर उसकी उपस्थिति जो समाज के अंदर होती है, वो आप उसको कैसा देखते हैं? अपन थोड़ा पीछे जाते हैं, जैसे कि एक दार्शनिक में हर्बर्ट स्पेंसर करके, जी 1861 के करीब उनका एक एक पढ़ा थ्योरी है आया दोस्तों, था, जिसको पर काफी आधा अभी आधा पढ़ा। काफी एनालिसिस भी चल रहा है, क्रिटिसिज्म भी हुआ, पर बड़ी सुंदर बपो थ्योरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा कुछ सीखता है तो ज्ञान या नॉलेज जिस अनुक्रम में आगे बढ़ी है बच्चे के अंदर, वो उसी क्रम के अंदर प्रवाहित होती है। जी जो सबसे पहले चीज आई थी बच्चे में अंदर, वो सबसे पहले चीज आएगी, वो पहले सीखेगा। ज्ञान का जो क्रम है बच्चे के सीखने में भी वही क्रम उपस्थित रहता है। इस चीज को अगर फोटोग्राफी में करें तो फोटोग्राफी एक बहुत ही छोटा बच्चा है। सारी कलाओं के अंदर फोटोग्राफी, जैसे आप नृत्य देखें, है ना, 2000 साल, 3000 साल जो डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली है, आप चित्रकला देखें जो आपका विषय है, हजारों लाखों साल पुराने भित्ति चित्र हमको मिलते हैं, और गायन देखें, स्वर की साधना देखें, नाद का जब से आविर्भाव हुआ, तो
उसके सामने अगर फोटोग्राफी को देखे तो वो बहुत ही एकदम छोटा अबोध सा बच्चा है। तो वो अभी बढ़ रहा है फोटोग्राफी और अपनी शैशव अवस्था में है। जी धन्यवाद हिमांशु जी। महेश जी, आपसे हम तकनीक के बारे में कुछ सवालात करना चाहेंगे, क्योंकि जी दर्शन और एक एक व्यवहारिक लोक की बातें तो हमने की जी और उन जी जी उस मसौदे पर हमने सीखा, तो हम आपसे कुछ तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे। प्लीज स्पेस का जो संयोजन होता है, स्पेस संयोजन, वो जी किसी जी भी फोटोग्राफर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आपके लिए उसके क्या अर्थ हैं? मसलन आप अपनी फोटोग्राफी में उस स्पेस के संयोजन को कैसा देखते हैं? जी सबसे पहले आप सबको विश्व फोटोग्राफी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बात सवाल स्पेस की बात है, तो मुझे लगता है फोटोग्राफी चूंकि देखने की कला है और एक जो फोटोग्राफर होता है उसको देखने में तो पूरा दिखते हैं आंखों से, उसमें सबसे अहम चीज है कि वो सेलेक्ट करता है थ्रू द व्यू फाइंडर। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका मेन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है सबसे पहले वो उस पर फोकस करते हुए उसके सराउंडिंग्स, उसके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की चीजों को अपने सौंदर्य बोध और उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए वो तय करता है कि मुझे कितना स्पेस देना है। ये उसके सौंदर्य बोध के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कुल मिला के जितनी हमको समझ जितनी होती है और जितनी हमारी स्पिरिचुअलिटी होती है कि चीजों के मायने पहले मैं तय करता हूं देख के, उसके बाद मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। तो जितना उस दृश्य पे मैंने कितने सौंदर्य बोध के साथ, कितनी गंभीरता से, कितनी आस्था और कितने उनके मीनिंग जानते हुए उनके जब मतलब निकाले हैं, वही मतलब मेरा फोटोग्राफ आपको मेंशन करता है। तो एक तरह से फोटोग्राफ में स्पेस, एक तरह से मूड, समय और उसके सराउंडिंग्स जो स्थितियां हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं एक दो फोटोग्राफ आपसे साझा करना चाहूं मेरा, तो मैं ये इस तरह से करना चाहूंगा कि देखिए स्पेस में एक ये फोटोग्राफ अगर मैं आपके सामने रखना चाहूं, इस फोटोग्राफ में जो मैंने ऊपर स्पेस दिया है तो ये उस मूड को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। अगर इसी पिक्चर को, अगर मैं इस पिक्चर में स्पेस के ऊपर वाले को इतना हटा देखूं तो पिक्चर के मायने क्या बचाते हैं, ये एक छायाकार या कलाकार खुद पहले तय करता है तब वो आपके सामने रखता है। इसी तरह से एक ये पिक्चर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें जी ये जो स्पेस है इसमें सब्जेक्ट हाफ में है और हाफ स्पेस दिया गया है, तो इस स्पेस के किस तरह से मायने हैं ये अच्छे से समझा जा सकता है। तो हर पिक्चर में स्पेस इतना मीनिंग नहीं रखता है, लेकिन जब किसी भी चीज को उभारने के लिए वहां के उस परिवेश के उस स्पेस को फोटोग्राफर ही तय करता है कि मुझे कितना लेना है, कितना दिखाना है और उसके क्या मायने निकल के आएंगे। जी जी शुक्रिया महेश जी। अभी जी एक आपने बहुत सुंदर एक टर्म दिया, व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर जी एक जी टेक्निकल टर्म है, इसी व्यू फाइंडर से हम अपनी आगे की जर्नी को करते हैं, आगे की यात्रा को करते हैं, हेमंत सर बिल्कुल की तरफ बिल्कुल जाते हैं उस व्यू या फाइंडर को लेके। सर जी जी कैमरे से, हेमंत सर कैमरे से देखते वक्त आपने आपके देखने के ये जो मायने होते हैं वो क्या होते हैं? जब हम कैमरे से देखते हैं किसी भी व्यू फाइंडर से विषय के अन्यत्र भी क्या कुछ दिखने लगता है, क्या कुछ नया आभास होता है? हेमंत सर अमित जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको मैं कुछ विस्तार से, कुछ अधिक तफसील से अपनी बात कहना चाहता हूँ। जरूर जरूर सर आप अवसर दें तो जरूर सर मुझे अभी तत्काल तो दो किताबें, अभी आपने जो कहा देखने के संदर्भ में तो वो दो किताबें याद आती हैं। एक किताब है विक्टर गेमिडोव जो कि रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर थे और उन्होंने बड़ी एक सुंदर किताब लिखी है, हाउ वी सी एंड व्हाट वी सी। उसका बाद में मेरे ख्याल से बुद्धि प्रकाश पारीक ने भी अनुवाद किया, बुद्धि प्रकाश ने भी अनुवाद किया और दृष्टि नाम से, जो कि करीब 90 के दशक में मैंने किताबें पढ़ी थी। तो आपने जब ये कहा तो मुझे इसका स्मरण हो आया। वो बेसिकली किताब न्यूरोफिजियोलॉजी, देखने की जो न्यूरोफिजियोलॉजी है उससे संबंधित है, किंतु आर्ट के संदर्भ में या कलाओं के संदर्भ में मुझे आपके एक वरिष्ठ मित्र और हमारे सबके मित्र और बहुत ही प्रसिद्ध समीक्षक
प्रयाग जी की एक छोटी सी किताब जो राजकमल ने पहले छापी थी, देखना, आपको भी याद होगा, देखना उसका शीर्षक था। वो देखना जी इतवारी पत्रिका में जब वो कॉलम लिखते थे तो उसके कुछ लेख थे जिसको कि ओम ने उनसे कहा, ओम थानवी ने, कि इसको पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित करवाया जाए। तो उन्होंने देखना शीर्षक से एक किताब लिखी थी, छोटी सी किताब है जिसमें कुछ समीक्षाएं भी हैं। मुझे लगता है कि देखना जो है वो कैमरे से देखना, आपके आपके अनुभव, आपकी परिपक्वता, आपका जो मानसिक विकास है उससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। एक बच्चा किसी चीज को कैसे देखता है और एक परिपक्व मस्तिष्क कैसे देखता है, इसमें एक अंतर है। क्योंकि देखने का संबंध हमेशा अमित सोचने से ही होता है। जी जो ही समय तत्काल ही पैदा हुआ। मान लीजिए मैं एक पेड़ को देख रहा हूं तो उसमें हरा रंग भी शामिल हुआ, उसका उसकी डालियां भी शामिल हुई, उसकी अवस्थिति, उसकी कंपोजिशन, वो कहाँ कैसा किस लाइट में कैसा दिख रहा है, ये सब चीजें देखने। तो देखने का सीधा संबंध सोचने से है, और ये तत्काल भी हो सकता है देखने से सोचने का संबंध, और बरसों बाद भी हो सकता है। इसकी कोई इसका कोई गणित नहीं है कि मैंने आज अभी कोई चीज देखी तो वो मेरी स्मृति में आज ही कला के रूप में या चित्र के रूप में या फोटोग्राफ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। हो सकता है कि वो दृश्य बहुत बहुत बाद, कई वर्षों बाद या कई महीनों बाद आपको एक तरह से दोबारा कुछ रचने के लिए प्रेरित करे। इस मामले में अमित जी आप याद कर लेंगे कि निर्मल जी ने, निर्मल वर्मा ने एक बहुत ही सुंदर बात, जब वो व्लादिमीर नोवाकोव के छात्रों के संदर्भ में बात करते थे, जब वो पढ़ाते थे नोवाकोव के उपन्यास कैसे लिखा जाना चाहिए, तो नोवाकोव ने इस बात की एक जगह वो इसका उल्लेख किया कि दृश्य से कैसे शब्द बनता है। अगर आपने कोई चीज देखी अचानक, मान लीजिए कोई स्त्री जा रही है किसी गली में जिसमें अंधेरा है और हल्का सा उजाला है, और अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो अपना छाता खोलती है, तो एक क्षण में ये सारी चीज घटित हुई। लेकिन एक उपन्यासकार के लिए हो सकता है कि ये कहानी का आरंभ हो, यहीं से वो कहानी लिखने की शुरुआत कर सके। तो ये समझिएगा कि इसी तरह से देखने का संबंध जो है वो केवल यथार्थ से ही नहीं है, बल्कि सरियलिज्म से भी, अति यथार्थ से भी है। क्योंकि अति यथार्थवाद में, अति यथार्थवादी फोटोग्राफी में या चित्रकला में, जो स्थूल दृश्य है उसके आगे भी आप दूसरी चीजें देखने की कोशिश करते हैं। फैंटेसी भी एक तरह से जो देखा हुआ यथार्थ है या दृश्य यथार्थ है, उसको एक तरह से कल्पना की दुनिया से मिलाने की कोशिश है। तो जैसे महेश जी के बहुत सारे चित्र हैं या हिमांशु जी के चित्र होंगे, उसमें केवल वही नहीं है जो दिख रहा है, बल्कि उसके इतर भी आप बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखने का अर्थ हमारा, हमारी तैयारी कितनी है इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि हम किस तरह से देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं और कितना देख सकते हैं, ताकि जो दूसरा देखने वाला है उसमें से और दूसरी चीजें बराबर कर सकते। जी शुक्रिया सर। अब हम हिमांशु जी से एक सवाल करते हैं। हिमांशु जी, हम जानते हैं कि फोटोग्राफी में विषय और विचार दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और फोटो जर्नलिस्ट की नजर में तो यकीनन होते ही हैं, क्योंकि आपको विषय से भी डील करना है और आपको अपना विचार भी उसमें सम्मिलित करना है, विचार भी उसमें आपको ऐड करना है। तो लेकिन आपकी जो कला है, आपकी जो व्यक्तिगत कला है, आप जो जिस किस्म की तस्वीरें खींचते हैं, जिस किस्म की आप तस्वीरें उतारते हैं, उसमें एक किस्म का कॉग्निशन नजर आता है। उससे आप यथासंभव हमें भी सर रूबरू करवाइए कि वो क्या है, वो संज्ञान किस तरीके से आप उतार पाते हैं। हाँ,
अभी जो शेष जी ने वो जो बातें कही देखने पर और बड़ी सुंदर थी वो, कि बच्चे का देखना भिन्न है, बड़े का देखना भिन्न है, देखने का अभ्यास है। मैं इनकी बातों को ही अभी सोच रहा था और मेरे अंदर जो प्रक्रिया चलती है उससे मिलाने की प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि सबसे सुंदर तरीका वही होता है जो सुन रहे हैं अपने अंदर उसका संधान करें या देखें कि मेरे अंदर क्या होता है, देखूं तो। तो मेरे दिमाग में भी आया कि जैसे शब्द हैं, विचार, अक्सर हम जब कुछ सोचते हैं तो शब्दों के अंदर प्रक्रिया चलती है। सोचने में हम सिनेमा की तरह विजुअल्स का जक्स्टेपोजिशन में नहीं सोचते, अक्सर वाक्य चलते हैं, शब्द चलते हैं। तो मैं सोच रहा था कि देखना मनुष्य को पहले आया, मनुष्य जन्म लेते ही देखना शुरू कर देता है। अब बहुत बच्चा भी देखता है, चिड़िया का बच्चा भी देखता है, मनुष्य का बच्चा, गिलहरी का बच्चा, सारा देखना पहले शुरू हुआ। पर फोटोग्राफी सबसे लेट आर्ट है। देखने का जो कला है, जो रियल वर्ल्ड को कंपोज करने की जो कला है, वो सबसे आखिर में आई। आप देखिए, है ना, जी 1840 के आसपास, जबकि देखना पहले मनुष्य के समय से चल रहा है। जी और शब्द बहुत लेट आए, शब्द बहुत देखने के बहुत समय बाद, जीवन में भी बहुत देर से शब्द आते हैं, और कई जीवन में शब्द आते ही नहीं। जो लिखना पढ़ना नहीं करते, जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, या कोई इच्छा से भी नहीं पढ़े, है ना, कई बार लोग शब्द भूलना भी चाहते हैं। पर लेखन फोटोग्राफी से पहले आया, है ना। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक एक सौंदर्य है, कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं कहेंगे, एक सुंदर सी चीज है। तो मैं ये सोच रहा था कि विचार और दृश्य का जो संयोजन है, इनमें एक रिवर्स प्रोसेस है। अगर आप फोटो, और मैं चूंकि कविता भी कभी कभी लिखता हूं या हाइकू लिखता हूं, मैंने देखा कि जिस वक्त फोटोग्राफी कर रहा होता हूं, यहां शब्द एकदम खाली हो जाते हैं। जी विचार जी चल रहा होता है पर शब्द नहीं होते। आप विचार कर रहे हैं पर पता नहीं उन दृश्यों से ही एक तत्क्षण एक सामंजस्य जैसा चल रहा होता है, वस्तुओं से सामंजस्य चल रहा होता है। आप वस्तुओं को शब्द की तरह और वस्तुओं के आपस में जो रिश्ता है उनको वाक्य की तरह ले रहे होते हैं, और वो एक सीधा संप्रेषण होता है, और उस वक्त शब्द नहीं आते। और तो अब मेरे को ये इसको समझाना बड़ा अलग है कि फोटोग्राफी में जो विचार है वो दरअसल शब्दों से और वाक्य विन्यास जो सिंटेक्स है उससे बड़ा भिन्न होता है। वो एक वस्तुओं के जमे होने का विन्यास है, जिसको कि इन फोटो जर्नलिज्म के जो पितामह कहते हैं, हेनरी कार्टियर ब्रेसां, ड्रेसर या उन्होंने, उनकी ये फिलोसॉफिकल थ्योरी हो गई, उनकी जो पहली एग्जीबिशन का जो उनका कैटलॉग था उसमें जो उन्होंने थ्योरी दी डिसिसिव मोमेंट की, बड़ी सुंदर। उसका दर्शन अभी इतना खुला ही नहीं है, 50 साल हो गए, 60 साल, पर दार्शनिक विचार उस बात का भी उतना नहीं हुआ है। जी उन्होंने कहा है कि किसी भी घटना में एक क्षण ऐसा आता है जब सारी वस्तुएं इस प्रकार संयोजित होती है कि वो अपना मर्म स्वयं बता देती हैं। आपको विचार नहीं करना होता, आपको उस क्षण की प्रतीक्षा करनी होती है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सिचुएशन, और वो सिचुएशन जरूरी नहीं है मनुष्यों की हो, उस सिचुएशन में एक पेड़, एक हवा का झोंका, एक छाया, बादल का गुजरना, मनु कुछ भी हो सकता है, जी उस सिचुएशन में एक क्षण ऐसा आएगा जब वो स्वयं अपने आप को रिवील करेगी। फोटोग्राफर का कार्य मात्र उस क्षण को पहचानना है, सिर्फ उस आइडेंटिटी, उस मोमेंट की, वो आपको स्पष्ट रूप से एकाग्रता से पहचाननी है। वही उसका विचार भी है, वही उसका दृश्य भी है, और वही एक तस्वीर देगा आपको। जी शुक्रिया हिमांशु जी, शुक्रिया। ये जो तस्वीर देने के लिए, एक नई तस्वीर जिसकी हम सभी को तलाश रहती है, ये तस्वीरों का आज जो ताना बाना हम लोग बुन रहे हैं,
इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, महेश जी की तरफ चलते हैं। महेश जी बहुत से युवाओं को प्रेरित करते हैं, बहुत सी वर्कशॉप्स लेते हैं। महेश जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं कि आपने बहुत से लोगों को मदद की है, और आपने कभी उसके बारे में जिक्र थैंक यू भी नहीं सो किया मच लेकिन हमें मालूम है। तो महेश जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, हमारे दर्शकों जी। के लिए, सभी लोगों के लिए, कि कला कर्म में जो ये प्रयोग धर्मिता होती है, वो एक बहुत खूबसूरत उसका पहलू है, प्रयोग धर्मिता का, एक्सपेरिमेंट का। लेकिन जो ये अत्यधिक प्रयोग धर्मिता के चलते कभी कभी उस कला का जो अनुशासन है, और अनुशासन हमेशा सख्त नहीं होता जी, उसमें ब्यूटी भी होती है। कुछ चीज खिलने के लिए भी कभी कभी अनुशासन की आवश्यकता होती है, तो वो अनुशासन अपनी असल लय को कभी कभी खो देता है। और विशेषकर जब रंगीन छाया चित्रों के संदर्भ में हम बात करें, तो इसके मुतल्लक आपके क्या विचार हैं उस अनुशासन को लेकर? देखिए अमित जी, अगर देखा जाए तो उस पूरे जीवन का जो सार है वो अनुशासन से ही निर्धारित होता है। मीनिंग, अनुशासन तो जीवन में होना ही चाहिए, चाहे वो कला हो चाहे जीवन की कोई भी विधा हो। लेकिन हाँ, जो आपने बात कही है और मुझे जहां तक मैं उसको रिलेट अगर करूं, तो ये जो मैंने फोटोग्राफी में नए प्रयोग किए हैं उसमें मेरी एग्जीबिशंस में देख के आपको लगा है कि ये जो कलर्स बेसिकली रंग हैं वो ज्यादा चटक हैं, जहां तक मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूं। तो देखिए, एक जो कलाकार है उसकी संवेदनशीलता, उसकी अपनी खुद की समझ, उसकी कलर को लेके कितनी समझ है, भावों को लेके कितनी समझ है, और टोटलिटी के अंदर वो क्या महसूस करता है, किस कलर के क्या मीनिंग है। मेरे ख्याल में एक जो भी कलाकार है, चाहे उसकी पसंद लाइट कलर है, चाहे मीडियम कलर है और चाहे ब्राइट कलर है, ये उसकी खुद की एक सोच होती है। और सही मायने में कोई भी कलाकार जो है, जो भी रचना आपके सामने लेके आता है, वो एक तरह से अपने विचार को या अपनी 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 एस्थेटिक को ही सामने रखता है। जहां तक बात फोटोग्राफी की है, तो मुझे लगता है कई बार जो 19-20 का फर्क आता है वो है, चूंकि आप एक कलाकार हैं तो आपके पास वो सारी क्षमताएं हैं कि अपनी कूची और कलर के द्वारा जैसा बहुत ही परफेक्शन के साथ जैसा आप चाहते हैं उसको लाने में सक्षम है। एक फोटोग्राफर, और खासकर वो फोटोग्राफर जिसके खुद की लैब नहीं है, प्रिंटिंग फैसिलिटी खुद की नहीं है, वहां ये भेद थोड़ा सा आ जाता है कि उसने सोच के क्या लिया है एक्चुअल में, और जो प्रिंट होता है ये एक थोड़ा सा भेद आप में और दर्शक में, कलाकार के और दर्शक में हो सकता है। बावजूद उसके, एक जो सच्चा कलाकार होता है वो अपने परफेक्शन की हद तक पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करता है, बहुत कमिटमेंट के साथ, और वो दोबारा प्रिंट भी निकालता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं, अपरिहार्य कारण, जो जो उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, और वो चीज जब आपके सामने आती है तो मे भी निश्चित तौर पे आपको ये सोचना पड़ता होगा कि यहां पे डिसिप्लिन आपके अनुसार जैसा आप सोचते हैं उसमें कुछ भेद है। लेकिन ये हर कलाकार को आपको थोड़ी सी छूट देनी होगी, क्योंकि बात जब प्रयोग धर्मिता की आती है, और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक कलाकार की दृष्टि, समझ, सौंदर्य बोध वो आपके सामने लेके आता है। हाँ, उस पर चर्चा होनी चाहिए, हर कोई देखने वाला खुले मन से कलाकार के साथ संवाद स्थापित करके अपनी बात कह के उसको भी करेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया में 100% कुछ होता नहीं है, मरते दम तक हम कुछ न कुछ सीखने की प्रक्रिया में होते हैं जी। प्लीज बहुत सुंदर महेश जी, मरते दम तक हमको उस सीखने की, हम उस प्रक्रिया में हैं। बिल्कुल हमारे उस्ताद जो हैं, हमारे उस्ताद कोल्टे सर, प्रभाकर कोल्टे, तो वो कहते हैं कि जो सीखना है ये सबसे बड़ी आपकी पूंजी है, और एक कलाकार को सीखते रहना होता है। बिल्कुल हेमंत सर, बिल्कुल हेमंत सर से हमारा सवाल है अगला। हेमंत सर, आधुनिक जी कलाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें, आधुनिक जी कलाओं की, पूरी आधुनिक कलाओं को एज अ होल लेके, तो आज फोटोग्राफी एक अहम, उसकी एक अहम भूमिका है। हम सभी जानते हैं कि जी फोटोग्राफी आज सबको जी लीड कर रही है, सारी जी कलाएं जी आज उसके पीछे है। हिमांशु जी ने कहा कि वो एक सबसे छोटा बच्चा है, उसके बावजूद
वो उसको सबको लीड कर रहा है, फोटोग्राफी के पीछे आज हम सब लोग चल रहे हैं। तो आपने एक लंबा समय देखा सर, आपने उस बच्चे से और उसकी एक जर्नी को देखा, जयपुर के पुराने फोटोग्राफर से आपके ताल्लुक रहे, तो आपने उसको कैसे इस जगह को बनाते हुए पाया कि किस तरह से ये पिछले 50 वर्षों में वो कल्बिनेट हुई, उसको सर थोड़ा सा आप शेयर करें। दरअसल एक तो मुझे ये लगा है कि सबसे ज्यादा परिवर्तन अगर किसी चीज में आया अभी जी के कुछ सालों में, तो वो कोई भी विधा और दूसरी नहीं है, न वो साहित्य है, न वो शास्त्रीय संगीत है, ये केवल फोटोग्राफी है जिसमें कि सबसे ज्यादा परिवर्तन आए, चाहे वो कैमरा टेक्निक की वजह से आए हों, कैमरों के विकास के कारण आए हों, डिजिटल फोटोग्राफी के कारण आए हों, सिनेमेटोग्राफी तो उसके ऊपर पूरी तरह से कैमरे पर ही आश्रित है, सिनेमा जी आज हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं, और सैकड़ों सैकड़ों हजारों रंगों से रोज किसी न किसी रूप में तस्वीरों से रूबरू होते ही रहते हैं, ऐसा कोई क्षण नहीं आता जब किसी विजुअल से हमारा कोई साक्षात्कार नहीं होता हो, और ये सारे प्रक्रिया में केवल एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, वो है कैमरा। कैमरा टेक्निक आज से पहले मुझे याद है कि रामनिवास बाग में पिन होल कैमरा लेके एक ऐसे ऊपर अपना कपड़ा डाल के पिन होल कैमरे से, लकड़ी का कैमरा होता था उस पे वो तस्वीरें खींचते थे, उसके सामने एक ढक्कन होता था, उसको हटाने के लिए उस पे लाइट गिरती थी किसी फिल्म पर, और फिर वापस उसको बंद करना पड़ता था और फिर तस्वीर बनती थी। महेश जी को तो याद नहीं होगा लेकिन मैंने उसको देखा है, अपनी तस्वीर भी खिंचवाई है। क्या बात दूसरा, है, हमने भी खिंचवाई सर। मेरे मित्र जो थे वो थे यदुवेंद्र सहाय, जो कि क्यूरेटर थे सिटी पैलेस में। तो एक दिन मैं जब उनके पास गया तो वो कुछ ग्लास नेगेटिव्स देख रहे थे, उन्होंने बताया कि सवाई राम सिंह जी की जबरदस्त रुचि फोटोग्राफी में थी, और उन्होंने विदेश कुछ बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलवा के अपने पास रखा भी था, उनसे सीखा भी था, कुछ किताबें भी पढ़ी थी, और फोटोग्राफी में खुद वो फोटोग्राफ किया करते थे। तो जोधपुर, जयपुर और मेवाड़ और पटियाला, इनकी जो डांसिंग गर्ल्स थी, नाचने वाली जो तवायफें थी, उनकी तस्वीरें सबसे पहले खींची गई राम सिंह जी के द्वारा, क्योंकि उस समय अब जो अवेलेबल तुरंत अवेलेबल मॉडल हो सकते थे वो मेरे ख्याल से वो डांसिंग जी गर्ल्स जी या वो तवायफ ही थी जो राज दरबार में संगीत करती थी या नृत्य करती थी। उनके एक्सचेंजेस भी होते थे कि पटियाला से उन्होंने 20 नेगेटिव भेजे, ग्लास के नेगेटिव जो कि इतने बड़े बड़े होते थे, वो कम से कम इतने बड़े नेगेटिव साइज में, उसको लकड़ी के फ्रेम में बाकायदा जैसे स्लेट पट्टी होती है उस तरह से फ्रेम करके रखा जाता था। तो मैंने वो भी देखे नेगेटिव, पिन होल कैमरा भी देखा, फिर उसके बाद एसएलआर कैमरे जो चले, बेबी कैमरे उन उनसे भी काम किया, उसके बाद फिर डिजिटल कैमरों से भी काम किया, कुछ वीडियोग्राफी भी की। तो मुझे लगता है कि एक तो टेक्निक में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है कैमरों की टेक्निक में और उसकी खूबियों में, क्योंकि इसकी अब इतनी ज्यादा ये हाई पिक्सल आप ले सकते हो कैमरों से अपने चित्र के, वो बाकायदा एक बाल भी आपको उसका क्लोजअप आप कर सकते हो, ये पहले सुविधा नहीं थी। तो मुझे लगता है कि तकनीक में एक तो बहुत इजाफा हुआ है, दूसरा ये कि एक आर्ट फॉर्म के तौर पर भी जो चित्रकार हैं या जो फोटोग्राफर हैं या छायाकार हैं या जो लोग हैं, उन्होंने इसके बहुत अधिसंख्य उपयोग सोच लिए हैं, केवल एडवर्टाइजिंग ही नहीं, केवल हिमांशु जी का क्षेत्र ही नहीं, जर्नलिज्म भी नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है सिनेमा से लेके एडवर्टाइजिंग और मीडिया, अखबार और होर्डिंग्स पोस्टर्स जिसमें कि तस्वीरें नहीं ली जाती हों या तस्वीरों का काम नहीं होता हो। तो ये इसके कारण जब इसका इतना ज्यादा एक तरह से वो एग्रेशन हो गया है, तो फिर इसको क्वालिटेटिवली इम्प्रूव करने की तरफ भी बहुत सारे लोगों का ध्यान गया है। जैसे इसको रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने वाले हमारे मित्र महेश स्वामी को लीजिए, हर घर में,
हर घर में गमले होते हैं, हर घर में कुछ पौधे होते हैं, हर घर में कुछ फूल होते हैं, लेकिन स्वामी ने जिस तरीके से प्रकृति को समझा, उसको प्रस्तुत किया, वो अब देखिए ये है वही चीज के कैमरा है और एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन का तरीका कितना अलग है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसने हमारी सृजनात्मकता को भी बहुत ज्यादा विकसित किया है और इस इन्वेंशन के साथ में मनुष्य की क्रिएटिविटी को नए आयाम मिले। जी सर, आपने भी काफी तस्वीरें खींची पिछले समय के दरमियान, उसमें कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे कि आपके क्या किस तरीके का आपका सब्जेक्ट रहा या क्या आपका इंटरेस्ट रहा आपकी अपनी तस्वीरों के? वैसे मेरे साथ सौभाग्य ये रहा कि मैंने सरकारी खर्चे पर पूरा भारत एक बार क्या नहीं बल्कि तीन तीन बात बार मुझे पूरे भारत के एक एक शहर, बड़े शहर में तो सारे ही करिए, है राजस्थान का ऐसा शायद ही कोई जिला हो जिसके कि छोटे छोटे गांव और तहसील को भी नहीं देखा हो जा करके। तो एक तो वो सब मुझे निशुल्क प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य रहा। लेकिन मुझे ये लगा कि जब मैंने चित्र लिए तो वो मॉन्यूमेंट्स के अगर चित्र हैं तो वो फोटोग्राफ को एक तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। जी कोई भी तस्वीर जब तक अपने मुंह से अपनी कहानी खुद न कहे तब तक कोई कोई तस्वीर नहीं हो क्या बात सकती। है, अगर आपको उसके बारे में बताना पड़े एग्जीबिशन में कि ये सब इसका विचार ये है। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर है टेक्निकली वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे महेश के सारे चित्रों को अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने में हमारे मित्र थे बड़े जबरदस्त, सुमेर जी माथुर उनका नाम था, जोधपुर के थे और DPR में वो फोटोग्राफर थे। इसी तरह से हमारे मित्र थे सूरजन शर्मा, जी एक MD शर्मा थे, तो इन सब के साथ हम लोग बैठते, रवि जैन थे बापू नगर के, तो हम जी आपस में बात करते थे, देखते थे, तो हम ये देखते थे कि उन्होंने एक सोलराइजेशन टेक्निक इस्तेमाल की थी उस समय ब्लैक एंड व्हाइट में, इंटरमीडिएट टोन्स को एक तरह से डिलीट करने की प्रोसेस थी जब वो फिल्म को डेवलप करते थे सॉल्यूशन में डाल के और हाइपो से जब फिक्स करते थे उसको, तो बाकायदा उसमें जो इंटरमीडिएट टोन्स थी ब्लैक एंड व्हाइट के बीच की उनको गायब करते थे, तो वो एक अजीब तरह का इफेक्ट पैदा होता था। जैसे मान लीजिए पोर्ट्रेट है हिमांशु जी का, तो वो पोर्ट्रेट ऐसा नहीं है बल्कि वो इतना डिस्टॉर्टेड और इतना ब्यूटीफुली डिस्टॉर्टेड पोर्ट्रेट बनता था सोलराइजेशन टेक्निक के कारण। तो मुझे लगता है कि वो टेक्निक से भी आपको बहुत वाकिफ होना चाहिए। तीसरी बात मुझे ये लगता है कि कोई भी तस्वीर तब तक मुकम्मल तस्वीर नहीं है जब तक कि कोई थॉट या विचार आपके भीतर वो पैदा नहीं करता। अगर कोई तस्वीर आप देखें और उसके सामने से बिना सोचे आप निकल जाएं तो वो कोई अच्छी तस्वीर नहीं है बल्कि बुरी तस्वीर ही होनी चाहिए। वाह दूसरी बात ये कि उसमें एक अर्थ नहीं बल्कि अनेक अर्थ आपको दिखने चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि मैंने जिस दृष्टि से एक चित्र खींचा उसको कोई देखने वाला उसी दृष्टि से देखे, उसमें उसके हिसाब से भी उसके अर्थ लगाने की कोई गुंजाइश होनी चाहिए। ये पेंटिंग के लिए भी सही है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए भी सही है और मेरे ख्याल से सारी कलाओं के लिए सही है कि जो प्रेक्षक या दर्शक है उसको एक स्वाधीनता होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से उस कलाकृति का आस्वादन कर सके, उसका इंटरप्रिटेशन कर सके। बिल्कुल और मुझे लगता है कि कोई चित्र केवल चित्र नहीं हो करके अगर पूरी कहानी हो तो वो ज्यादा सफल है। वो पूरा चित्र ही अगर एक कहानी हो या वो कहानी की संभावना पैदा करता हो तो वो शायद सार्थक चित्र है। मैंने कोशिश की है कि थोड़े बहुत अपना इस क्षेत्र में काम करूं, लेकिन मैं अभी सीख रहा हूं इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे और जरूरत है सीखने की और मैं कुछ जी काम करता रहूंगा। ये आपकी सर विनम्रता है, एक हम्बलनेस है, कंपैशन है कि ये जो सीखने का भाव है हम सभी का यही भाव है कि हम सीखते रहें। हिमांशु जी, मुझे याद आता है कि कहीं आपने एक बार ऐसा जिक्र किया था, आप हमारे भी टीचर हैं, हम भी आपसे निरंतर सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो आपने एक बार एक जिक्र किया कि जो फोटो है वो यथार्थ से बनता है, यथार्थ जो है वो किसी चित्र को बनाता है, पर यथार्थ को छायाकार नहीं बनाता।
इसको इसको कैसा आप मानते हैं कि यथार्थ को जो है वो छायाकार नहीं बनाता, लेकिन जो जो फोटो है, जो जो चित्र है, वो यथार्थ से बनता है। तो कभी कभी यथार्थ और कल्पना के बीच में बहुत सारे स्वादों को आप चखते हैं, और कभी कभी वो जो यथार्थ के स्वाद होते हैं वो बेहद कसीले भी होते हैं, वो बहुत कभी कभी कड़वे भी लगते हैं। तो ये छायांकन करते हुए आप कैसा इसको इसको पाते हैं हिमांशु जी? ये कई सारे स्तरों पे बात चलती है। ये वाला जो विषय है कि तस्वीरें हम यथार्थ में से बनाते हैं, पर उस यथार्थ को हम नहीं बनाते। जैसे जी पेंटिंग बनाने का जो आप उसके अधिक मास्टर हैं, रंग लेके बैठते हैं फिर मिला के, और कभी कभी रंग भी खुद बना सकते हैं, है ना, रंगों का घोल वो सारा कुछ करके। कूची भी आप बना सकते हैं, वाद्य यंत्र आप बना सकते हैं, बांसुरी बना सकते हैं। पर फोटोग्राफी में ऐसा है कि आपके एज इट इज हाथ में नहीं है कुछ, आपके हाथ में खाली यंत्र है। उसके जो कंटेंट्स हैं जिनसे तस्वीर बननी है वो सारा आपसे दूर है। आप उसको ऐसे ऐसे कुछ कर नहीं सकते, ऐसे करना, ऐसे करना, मोड़ना, ठोकना, वो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, वो खाली उपस्थित है। और पहली बात तो ये हुई कि वो मात्रा आपके सामने उपस्थित है। दूसरी चीज है कि ये जो बात है तस्वीरों को चूकने से सामने आती है। आपको अच्छा चित्र लेना, चूक जाते हैं, आपका बहुत ध्यान कहीं और होता है। कई बार आप चित्र के सौंदर्य में इतना खो जाते हैं कि कितना अच्छा सूर्यास्त हो रहा है, और देखते देखते सूर्यास्त समाप्त हो जाता है। और ये इंद्रधनुष में अक्सर होता है, कई लोगों के साथ इंद्रधनुष को देखते रहता है, अरे कितना अच्छा हो रहा है, जितने में वो वापस घुल जाता है आकाश के अंदर, और आप उसको चूक जाते हैं। ये होने पर एक विचार आता है कि घटना तो घटी, चित्र तो था, मैंने लिया ही नहीं। तो मैं अगर नहीं भी फोटो लेता हूं तो फोटो तो उपस्थित थी यथार्थ के अंदर, वो तो आके गई। ये इसलिए अक्सर कैमरे को छोड़ के जब फोटोग्राफी की बात अपन जब भी करेंगे तो हमारे अंदर यथार्थ को देखकर क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, अच्छी तस्वीर लेने पे क्या प्रतिक्रिया होती है, अच्छी तस्वीर को चूकने पे क्या प्रतिक्रिया होती है, इन दोनों को अपने अंदर एक मनन चलता रहना चाहिए। तब आपको लगेगा कि वो एक आप एक विनम्रता देगा, वो एक जो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कई बार विषय को लेकर, किसी भी कला में नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। हमें विनम्रता तो कलाकार का पहला आश्रय है उसका। ये ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ के जैसे हम चीजों को देखना शुरू करते हैं, अरे यार ये चीज तो हो रही थी, मेरे हाथ में कैमरा मैं ले लेता, वो अलग चीज थी। इससे ये विचार आता है कि यथार्थ किसी की कल्पना है जिसके अंदर घटनाएं कलाएं घटित हो रही हैं, आप मात्र उसको थोड़ा सा उसमें से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा जैसे किनारे खड़े होकर अंजुली भर लेते हैं, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है फोटोग्राफी। इतना सारा सागर है यथार्थ का, उसमें से आप कैमरा लेके, मतलब कटोरा ही है मान लीजिए, उसको आप डुबाते हैं और निकाल लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा देखने से बड़ी विनम्रता आती है और आपको बड़ा मजा भी आता है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं तस्वीर अच्छी लेता हूं इसका मतलब है कि सृष्टि में उस चीज के होने में और आपके उसके ले लेने में एक रिदम था। ये रिदम असली आनंद देता है, जब आप उसको अच्छा पहचान पाते हैं यथार्थ में कोई बढ़िया चीज घटित हुई और आप उस वक्त अवेयर थे, आप उसके प्रति नतमस्तक थे, आप उसके प्रति विनम्र थे, आप प्रतीक्षारत थे, और आपने उसको लिया, वो आई, आपने लिया, एक अलाइनमेंट हुआ। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ फोटोग्राफी। ये बहुत सुंदर टर्म अभी आपने यूज किया, अवेयर। तो हमारी भी एक बार एक बात हो रही थी, बहुत बड़े जो पेंटर थे उनसे जब बात हो रही थी, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उनका नाम, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बड़ा पेंटर नहीं कहलाना चाहता जी, आई डोंट रिकॉग्नाइज एज अ ग्रेट पेंटर, आई वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज एज अ अवेयर पेंटर, कि मैं मुझे लोग अच्छा अवेयर पेंटर के रूप में जाने, मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी चाहना वो है। महेश जी, जो
आगे अपन बात करते हैं, हिमांशु जी ने बहुत गहरी बात बताई अभी जो ये जी अवेयरनेस जी की जी है, जी तो जी इसी जी इसी अवेयरनेस में और गहरा उतरने की जब हम अब जब बारी आती है, तो दृश्य की जो गहराई है, जो दृश्य में एक अपनी गहराई होती है जिसे तकनीकी भाषा में अमूमन हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं, उसे जी जी आप कैसे कैप्चर करते हैं अपने चित्रों के अंदर, उस डेप्थ ऑफ फील्ड को? जी जी फोटोग्राफी के लिहाज से सबसे सुंदर सवाल मुझे लगता है आपने जो किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, एक फोटोग्राफर के साथ साथ एक कलाकार होने के नाते मैं साझा करना चाहूंगा कि ये जो टूल है बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड किस तरह से आपके फोटोग्राफ में क्रिएट की जाती है, जिसको हम गहनता बोलते हैं या क्षेत्र गहनता बोलते हैं, इसको पहले एक फोटोग्राफर के तौर पे हमको जानना होगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड को क्रिएट करने के तीन चीजें हमको उपलब्ध हैं। उसमें से सबसे पहली चीज है वो है आपका सब्जेक्ट और लेंस की दूरी। जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट और लेंस की दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी आपके फोटोग्राफ में डेप्थ क्रिएट होती है। जैसे 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 इसकी दूरी कम होगी, आपकी पिक्चर की डेप्थ में कम होती चली जाएगी। ये पहला उसूल है। दूसरा है आपका अपर्चर नंबर। जैसे जैसे आप अपर्चर को बंद करते जाते हैं, आपकी पिक्चर में डेप्थ क्रिएट होती जाती है, और जैसे जैसे आप अपर्चर खोलते जाते हैं, आपकी पिक्चर में डेप्थ कम होती चली जाती है। और तीसरा जो है वो है लेंस की, जिसको भी लेंस को आप यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ, क्योंकि अलग अलग लेंस की अलग अलग फोकल लेंथ है, और इसका सीधा रिलेशन कुल मिला के जब आप पूरी चीजों को समझ जाते हैं तो वो आता है अपर्चर नंबर के ऊपर। तो टोटल तीन तरीके हैं जिससे कि आपकी डेप्थ इफेक्ट डालती है। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है आपकी दूरी, और तीसरा है सॉरी डिस्टेंस और आपका लेंस की दूरी, आपका फोकल कैमरे की फोकल लेंथ और आपका अपर्चर नंबर। अब एक और इसमें चीज एक और जोड़ दीजिए जी सर, अगर स्लो फिल्म और हाँ हाँ फास्ट, वो आजकल तो आईएसओ वगैरह वाला आ गया है, लेकिन इसमें भी डिजिटल में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ नहीं 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 उसमें भी दिक्कत है सर। उसमें आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है, अगर आप उसमें आईएसओ बढ़ा देंगे तो आपको पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूं। जब आपको तीन तीन ये चीजें दे गई हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरे पूरे मापदंडों के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, तो उसी की मैं बात कर रहा हूं। अब डेप्थ क्या मैजिक करती है एक फोटोग्राफर और एक कलाकार के तौर पे आपकी तस्वीर और आपकी रचना में, यह समझने वाली चीज है। मेरा मानना है कि ये जो तीन चीज है, इनको कोई भी फोटोग्राफर या कलाकार जब तक अच्छे से इंडिविजुअल को नहीं समझेगा, डिस्टेंस से कैसे इफेक्ट आता है, अपर्चर नंबर कम ज्यादा करने से कितना 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 इफेक्ट आता है, और फोकल लेंथ चेंज करने से कितना कितना इफेक्ट आता है, ये लगातार साधना रत रह के अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आपको प्रयोग करने पड़ेंगे। और जब ये प्रयोग करने के साथ, जिसको मैंने साधना कहता हूं, किसी भी कला में किसी भी आर्ट में आपको लगातार बहुत सारे समय तक साधना रत रह के अनुशासनबद्ध तरीके से आपको प्रयोग करने होते हैं, तब एक लेवल पे जाके आपका एक छिद्र खुलता है टक से करके। कहने का मतलब, पहली चीज समझ में आती है जिससे आपके अंदर उत्साह का संचार होता है कि वाओ, इसके करने से यह होता है, जिससे आपको और अति उत्साह मिलता है नए प्रयोग करने के। क्योंकि शुक्रिया, क्योंकि नहीं नहीं इसके इसमें नहीं इसमें छोटी सी बात रह गई है जी, मैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तीन चीज मैंने आपको बताई हैं, ये एक तरह से फोटोग्राफर और कलाकार के लिए कूची और कलर का काम करती हैं। आपके पास तो सारे संसाधन है, रंग अलग अलग मिक्स करके नए नए इफेक्ट, नए नए लाइट कलर, डार्क कलर जो कर सकते हैं। इस डेप्थ ऑफ फील्ड के द्वारा आप अपनी फोटोग्राफी में कलात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। इसलिए हर फोटोग्राफर को ये डेप्थ ऑफ फील्ड के नियम को बहुत गहराई से, बहुत साधना के साथ समझने की जरूरत है, तभी वो एक फोटोग्राफ हजार शब्दों के बराबर, या क्रिएटिव फोटोग्राफ जो एक बार देखने से ही आप में एक अतिरिक्त संचार करता है रोमांच का, वो संभव है उसके द्वारा।
धन्यवाद धन्यवाद महेश जी, सॉरी जी। मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं, किया, थैंक यू सो क्योंकि मच। समय की कोई भी अपनी हाँ, प्लीज प्रतिबद्धता प्लीज है और प्लीज हमको प्लीज समय के प्लीज। साथ में अगले प्रश्न पर जी जाना जी है। जी जी हेमंत सर की तरफ मैं रुख करूंगा अपना। जी जी सर, करो। आज के इस युग को हम चित्र युग कहते हैं कि ये चित्र युग कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सब तरफ एक बॉम्बार्डिंग है, विजुअल्स की बॉम्बार्डिंग है। रात को सोते से लेके सुबह जगते तक हमारे सामने विजुअल्स ही विजुअल्स हैं। तो चारों तरफ हम विजुअलों की जहां भरमार है, हर तरफ चित्र ही चित्र नजर आते हैं, तो वहां पर अनुभूति के स्तर पर क्या हमारे समाज की अपनी एक एक तैयारी है कि हम इतने विजुअल्स को एब्जॉर्ब कर पाए, जिसको जिसको रमेश चंद्र शाह की भाषा में गहना कहते हैं, तो वो क्या हम उस गहने के लिए तैयार हैं क्या सर? ये बहुत बहुत गहरा सवाल है अमित, आपने जो पूछा है, और इसको मैं बिल्कुल दूसरे ढंग से सोच रहा था, बिल्कुल दूसरे ढंग से सोच रहा था। जी जी सर मैं इस ढंग से सोच रहा हूँ इसको कि जितना एग्रेशन विजुअल का होगा उतना ही सिलेक्शन आपका कम होता चला जाएगा, उतना ही डिस्क्रिशन कम हो जाएगा। आपको क्या देखना चाहिए इसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। जो चीज़ आपको परोसी जा रही है लगातार, उसके अतिरिक्त आप स्वयं अपनी इच्छा से अच्छा दृश्य देख सकें, सूर्योदय देख सकें, सूर्यास्त देख सकें, प्रकृति देख सकें, इसके लिए आपको अतिरिक्त रूप से मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि चारों तरफ हम अपने जिंदगी में अपने आसपास इतना ज्यादा फेंका हुआ देख रहे हैं कि हर क्षण में आपको किसी न किसी रूप में मीडिया में, टेलीविजन में, सिनेमा में, एडवर्टाइजिंग में, अखबार में इतना ज्यादा विजुअल जिसका कि कोई अर्थ नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ हिमांशु से कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किया है तो हमारी संवेदना पर पत्रकारिता ने इसका बहुत नेगेटिव जी नुकसान किया है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मैं अपने घर में अखबार नहीं मंगा रहा, पिछले 12 वर्षों से मैंने कोई अखबार नहीं पढ़ा, माय गॉड कोई भी अखबार नहीं पढ़ा। अगर न्यूज की जरूरत है तो टेलीविजन है, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि सिवाय इसके कि आप विज्ञापन की ऐसी दुनिया से बाकायदा ग्रसे जा रहे हैं जिस जिस पर आपका कोई जोर नहीं है, आपका अपना डिस्क्रिशन खत्म हो गया, आपके बच्चों की सारी आदतों को बिगाड़ दिया गया इस विज्ञापन ने, ग्लोबलाइजेशन ने, इसकी एक से पन मतलब हमारी यूनिकनेस तो सारी हर ली गई है, जैसे कि छीन ली गई हो इस विजुअल के एग्रेशन की वजह से। तो मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस टाइम है, बहुत डेंजरस टाइम है, और इससे बचने की हमको आवश्यकता है। हम जितना कम कर सकें अपने जीवन में अनावश्यक विजुअल्स को उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि हम अपने भीतर के सूर्यास्त को, अपने भीतर के सूर्योदय को, अपने भीतर के आसमान को, उसके सितारों को, उसके चंद्रमा को बचा के रख सकें। और उसके लिए आपको बाकायदा अपने भीतर उतरना पड़ेगा, इसमें बाहर देखने की बजाय हमेशा आपको अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी, तभी आप असली विजुअल, जो आत्मा का विजुअल है या जो एस्थेटिक्स का विजुअल है या जो आपके हृदय के सबसे पास धड़कने वाली संवेदना का विजुअल है, वही आप देख पाएंगे। वरना दिन भर आप विज्ञापन देखते रहिए और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिमांशु जी, फोटोग्राफी में सौंदर्य के जो उपादान हैं, सौंदर्य की जो अनुभूति है, सौंदर्य के जो जो आस्वादन है, उसको आप कैसा महसूस करते हैं? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि जो हेमंत सर ने जो बात कही उसको भी आप थोड़ा सा और थोड़ा विस्तार दें, उसको और बढ़ाएं उस बात को आगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मुझे लगता है कि हमारे इस पूरी परिचर्चा का जिस्ट है जो अभी हेमंत जी ने रखा है, तो उसको थोड़ा सा उस पर अपन थोड़ा फोकस करें। मान हेमंत जी ने जो कहा, बड़ा उन्होंने शुरुआत ही बहुत सुंदर ढंग से की कि ये बहुत ही गहरा, इन्होंने कई बार कहा कि बहुत बहुत गहरा विषय है। और ये चीज इन्होंने बाद में जो बातें कही बड़ी सुंदर थी कि इन्होंने दृश्यों से बचना चाहिए, उसके आधिक्य से बचना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि चूंकि ये बहुत ही अभूत प्रवृत्ति है, बहुत ही अकलुषित प्रवृत्ति है, बचपन की जैसे पहला चीज ही देखना होता है जी बच्चे का, तो
इसलिए इसके कलुषित होने की संभावनाएं भी अधिक है। जो जितना सफेद है, जो जितना स्वच्छ है, देखना अपना अपनी देखिए आप, है ना, बीच में कुछ है ही नहीं। बोलने में कितना कुछ होता है, पर देखना, हमने गहनतम फिलोसॉफी को भी दर्शन कहा है। इतनी जी पवित्रता है देखने के अंदर, इतनी तारल्य है उसके अंदर, इतना पानी है, इतनी स्वच्छ हवा है देखने के अंदर, तो इसलिए उसके कलुषित होने की संभावना इसीलिए अधिक है। इसलिए उसको संभाल के रखना बहुत आवश्यक है। वाह शरीर के सारे अंगों में हम आंख की सबसे अधिक चिंता क्यों करते हैं? कान, त्वचा, जीभ, है ना, बचाते हैं, पर आंख में कुछ भी होता है, क्योंकि आंख सबसे सेंसिटिव है, वो सबसे अबोध है, वो सबसे स्वच्छ है, पवित्र है। तो जैसे फिजिकली इसको नुकसान होने की संभावना है सर्वाधिक है, इसी प्रकार देखने के भी कलुषित होने की संभावना सर्वाधिक है, क्योंकि वो अबोध है बहुत। वाह और इसलिए हमें जैसे शब्दों में, किसी जमाने में मैं जब बच्चा था, मतलब जैसे लेट 70s की बात कर रहा हूँ या अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो स्मृति है कि बोलने पे बहुत ध्यान रहता था। आपने अगर घर में फिल्म का कोई गाना गा दिया तो डांट पड़ती थी। आपने कैसा शब्द बोल दिया, तो उसके ऊपर कई टोका टाकी होती थी। किस तरह की वॉकेबुलरी आप घर में यूज कर रहे हैं, जैसे यार शब्द घर में असंभव था, बहुत गली में भी बोलना असंभव था। एक तरह का, कई तरह की चीजें के डिसिप्लिन्स थे। मुझे लगता है कि विजुअल्स पे उस प्रकार के डिसिप्लिन्स टीवी के आने से, विज्ञापनों के आने से और बाद में सोशल मीडिया के आने से बिल्कुल गायब हो गया। इसलिए भाषा में अभी भी संयम है बोलने में, पर विजुअल्स के अंदर वो संयम चूंकि बचपन से ही, और उसका कोई सेंस नहीं है कि विजुअल्स को कैसे परिभाषित करें, उसकी कोई भाषा कभी तय नहीं हुई, उसकी कभी ग्रामर परिभाषित नहीं हुई, वो ऐसे ही हवा में उड़ता उड़ता दिमाग में घुस जाता है। शब्द की एक प्रक्रिया होती है, ये सीधा ही अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये इन सब का एक परिष्कार करना, मतलब एक थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विजुअल्स कैसे आ रहे हैं और कैसे हम उसको ले रहे हैं, बच्चा कैसे ले रहा है उसको। उसको कंपोजिशन सिखाना चाहिए, और कंपोजिशन फोटो में ही नहीं सिखाना, घर में टेबल पर चीज कैसे जमती है, नमकदानी और सॉस उसको कैसे जमाना है, उसको टेबल के अंदर कटोरी कैसे जमेगी, प्लेट के अंदर सब्जी, सैकड़ों तरीके हैं कंपोजिशन सिखाने के। घर के बाहर चप्पल कैसे खोले, है ना, बच्चे को वहीं से शुरू कर सकते हैं, जूता पहले आएगा या चप्पल पहले आएगी, उनका सीक्वेंस क्या होगा। सच में ये बच्चे में सौंदर्य अनुभूति जगाएंगे, और विजुअल्स की एक सेंस पता उसके अंदर जागृत होगी। क्या रसोई के अंदर हमारे सारे चम्मच एक सीक्वेंस से जमे, जिन घर में ऐसे जमे होंगे उस बच्चे में सौंदर्य अनुभूति थोड़ी अधिक होगी, वो अच्छा फोटोग्राफर होने की संभावनाएं होंगी। वो क्या देख रहा है, ये ग्रामर घर में बिखरी हुई है। अगर घर बिखरा हुआ है, घर में विजुअल्स बिखरे हुए हैं, तो संभावना है कि उसमें वो अनुशासन नहीं आएगा। और इसका अंत मैं करूंगा, एक वर्ड्सवर्थ की एक कविता है, मेरी बहुत पसंदीदा कविता है, टिंटन एबे करके, काफी लंबी कविता है, कौन सी, दोबारा दोबारा बताइए क्या शीर्षक क्या है। टिंटन एबे, टिंटन एबे, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, जिसमें वो खाली एक वादी है, पहाड़ है, कुछ फेंसेज लगी हुई है, एक प्रकृति का डिस्क्रिप्शन है जैसा कि वर्ड्सवर्थ की कविताओं में होता है, और वो उसको देख रहे हैं। देखते देखते एक पंक्ति आती है जो मुझे करीबन 10वीं क्लास से अभी तक मेरे दिमाग में चली हुई और मेरी सारी चीजों को गाइड करती है एक तरह से देखने को। वो कहते हैं कि वो अब युवा हो चुके हैं, युवा से भी थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। वो कहते हैं कि आई हैव लर्न टू लुक अपॉन नेचर, आई हैव लर्न टू लुक अपॉन नेचर नॉट एज इन माई आवर्स ऑफ थॉटलेस यूथ, मेरा जो विचारहीन लड़कपन था वैसे मैं अब प्रकृति को नहीं देखता। बस आई हैव लर्न टू लुक अपॉन नेचर नॉट एज इन माई आवर्स ऑफ थॉटलेस यूथ, वैसे देखता नहीं हूं बट ऑफन हियरिंग इन इट, मैं उसमें सुनता हूं। इतनी संजीदगी से देखते हैं कि अब उसको प्रकृति सुनाई देना शुरू हो गई है। पर आई लर्न टू लुक अपॉन नेचर नॉट एज इन माई आवर्स ऑफ थॉटलेस यूथ बट ऑफन हियरिंग इन इट स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी।
मैं उसके अंदर मानवता का एक स्थिर और एक करुणामय संगीत सुनता हूं। अच्छा देखने को इस स्तर तक सुंदर किया जा सकता है कि आपको दृश्यों में से मानवता का एक संगीत सुनाई देने लग सकता है। वाह, बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही। और आपने हमेशा से जो हमने भी आपसे जो सीखा कि आपने एक इंटीग्रिटी की बात कही है, कलाओं के अंदर जो इंटीग्रिटी है। आपने फोटोग्राफी को एज अ पोएट्री कभी ट्रीट किया, तो कभी आपने फोटोग्राफी को एज अ पेंटिंग देखा। और हमने कई बार आपको वो प्रेरणाएं पाई हैं। महेश जी, अब आप कुछ ऐड करना चाहें इसी कंटेक्स्ट में, क्योंकि अब हमारे पास में समय कम है और हमें जी जी रुख्सत भी लेनी होगी। तो जी एक समअप आप स्ट्रोक अपना क्या इसमें लगाएंगे? हाँ। देखिए, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं मैं, फोटोग्राफी देखने की कला है। और जैसा कि हिमांशु भाई ने कहा है कि सबसे अहम जो रोल अदा करता है इंसान की जिंदगी में है, वो है उसकी जो पांचवी ज्ञानेंद्री है, यानी विजन, यानी आपकी सबसे बड़ा रोल ये अदा करती है। सर ने कहा कि भाई अनुशासन जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखने की कला है। तो बच्चों को शुरुआत में ही हमको चीजों को तरतीब से, चीजों को कंपोजिशन के साथ सिखाना पड़ेगा। जिसने ये सीख लिया, पूरी संभावना है, क्योंकि वो जब टूल हाथ में आएगा, जब वो व्यू फाइंडर के साथ देखेगा, तो वो सेलेक्ट करने का एटीट्यूड तो पहले ही उसके देखने में निहित है। वो जो देखने का अंदाज है वो पहले से ही सदा हुआ है, अब तो उसको कंपोज करना है थ्रू द व्यू फाइंडर। तो इस बात को मैं जोड़ना चाहूंगा हिमांशु जी की पहली बात से। माफ कीजिएगा, हिमांशु जी ने कहा कि कैमरे आने से फोटोग्राफर नहीं बढ़ने वाले हैं। इससे मेरा थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा, मैं अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, ये इस बात से साबित होता है कि कैमरा तो मैं सिर्फ एक टूल है, असली चीज क्या है? देखना। और वो इंसान पैदा होने से ही उसका अभ्यास शुरू हो जाता है चीजों को देखना। वो कितने डिसिप्लिन वे में, कितने सौंदर्य बोध के साथ, कितनी प्रैक्टिस के साथ, कितना उसके गुरु ने या उसके भाई ने या पिताजी ने या माताजी ने उसको संस्कार दिए हैं, पूरे अनुशासनबद्ध तरीके से वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो कैमरा आने से फोटोग्राफ की, जहां तक फोटोग्राफर के आपने सवाल किया कि फोटोग्राफर के मायने क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज के दिन प्रत्येक इंसान फोटोग्राफर की भूमिका में है। मैं इसको इस रूप में कह रहा हूं कि परमात्मा ने हर इंडिविजुअल को दो दो कैमरे इनबिल्ट दिए हैं। हमको पैदा होते ही हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं। जी जी तो भाई जी, वो जो कैमरा है, वो सिर्फ आपको सेलेक्ट करना, आपके सौंदर्य बोध, आपकी मैच्योरिटी के साथ, आपकी जो समझ है उसको लोगों के साथ साझा करने का यंत्र है। वो बताता है कि आप कितने मैच्योर हैं, आपका सौंदर्य कितने ऊंचे या नीचे दर्जे का है। और क्योंकि मानव का स्वभाव है अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, वो गा के हो सकता है, वो भाषण के द्वारा हो सकता है, वो कविता लिख के हो सकता है, और वो पेंटिंग के थ्रू हो सकता है। तो ये भी एक विधा है, कैमरा भी एक टूल है जिसके द्वारा अपनी भावनाओं को आप साझा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इसको लेकर मैंने एक एग्जीबिशन भी की थी तीसरे यहां। जब भी दोस्त लोगों ने पूछा था कि ये एग्जीबिशन आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका एकमात्र सब्जेक्ट था हर हाथ में कैमरा, चाहे बच्चा था, चाहे बड़ा था, चाहे फोटोग्राफर था। और मैंने ये बात कहना चाही थी कि मैं एक फोटोग्राफर 15-16 साल हो गए हैं, इस मैजिक टूल ने मेरी जिंदगी में जो रंग भरे हैं, जो मेरा को संवेदनशील बनाया है, अब मैं रोमांचित हूं कि परमात्मा ने हर हाथ में कैमरा थमाने जा रहा है। तो इसके कारण आम आदमी की जिंदगी में उस संवेदनशीलता के कारण, उस देखने के अंदाज के कारण, हर एक की जिंदगी में सौंदर्य बहुत बढ़ेगा, जिससे सकारात्मकता आएगी और वो प्रकृति से एकाकार कर पाएगा, क्योंकि प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है। निश्चित निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे महेश जी, प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ी गुरु है। हम उसको एडमायर करते हैं। और जो हिमांशु जी आपसे अलग हैं, मतलब जो भिन्नता की बात हुई, आप उसे डिनाई करते हैं, तो ये जो डिनायमेंट है ये सबसे बड़ा, ये सौंदर्य भी है जी। आप हिमांशु जी से अलग है, हिमांशु जी मुझसे अलग है, शेष साहब हम सबसे अलग है। तो ये जिंदगी का सौंदर्य है और हम इसका बहुत सम्मान करते हैं, इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इस भिन्नता की। हेमंत सर, बतौर कला समीक्षक आपने बहुत कुछ लिखा,
बहुत समय, लंबे समय तक लिखा, आज भी आप लिखते हैं, हर रोज लिखते हैं, पीछे हमको ढेर सारी किताबें दिख रही है, बहुत कुछ लिखा है आपने, तो बतौर कला समीक्षक या हमें ये कहूं कि सहृदयी, जो एक हमारा टर्म होता था सहृदयी, आपके लिए किसी छायाचित्र में ऐसे कौन कौन से अभिन्न तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए कि हम किसी छायाचित्र को किसको हम कहें कि भाई ये एक एक कहीं पर खड़ा होता है, ये ठहरता है, तो बतौर कला एक समीक्षक। एक अमित एक बात मुझे लगता है अमित जी, कि जी सर। जो मॉडर्न आर्टिस्ट हमारे रहे हैं वेस्ट में 20th सेंचुरी के, जी उनमें से एक चित्रकार को मैं भी बहुत पसंद करता हूं और आप भी बहुत पसंद करते होंगे, एंडी वारहोल। जी एंडी वारहोल जो पेंटर हैं, जिन्होंने कि जैकलिन कैनेडी और मोडलिन मनरो वगैरह को बाकायदा उन्होंने उनके तस्वीरों को अपनी पेंटिंग में इस्तेमाल किया और एक नए ढंग से कुछ चित्र रचना की, उन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक्य कहीं लिखा है जो मुझे याद आया और कहीं मैंने पढ़ा था बहुत पहले, कि द बेस्ट थिंग अबाउट पिक्चर इज दैट इट नेवर चेंजेस इवन वेन द पीपुल इन इट डू। तो उस चित्र में अगर मेरी पड़नानी या नानी अगर आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले के चित्र में मैं देख रहा हूं, तो ये वही नानी है जो एक लाल बिंदी में साड़ी में अपनी जवानी में खड़ी हुई है, लेकिन आज की मेरी नानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो दिखती है तस्वीर में। एंडी वारहोल का कहना यह है कि सबसे बड़ी चित्र की विशेषता यह है कि उसमें आए हुए लोग कभी नहीं बदल, समय के साथ कभी नहीं बदलना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर वो क्षण आपने अपनी स्मृति के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए अगर फ्रीज कर दिया, क्योंकि फोटोग्राफी और कुछ भी नहीं है बल्कि एक डिवाइस है कि जो भी फ्लीटिंग टाइम है, फ्लीटिंग टाइम मतलब एक एक क्षण बीत रहा है, उसको बहते हुए क्षण को एक तरह से एक मोमेंट में फ्रीज करने की कला ही तो चित्रकला, मतलब छाया चित्रकला है। फ्लीटिंग टाइम को अगर आपने रोक दिया। दूसरा ये कि जो संसार है वो बहुत बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप अपनी तस्वीरों में पर और किसी के लिए नहीं बल्कि आप खुद अपने लिए मेरे ख्याल से उसको रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि स्वभाव से अमित जी मुझे लगता है कि हर मनुष्य एक तरह से स्मृति को बहुत इम्पोर्टेंट मानता है, स्मृति जीवी ही होता है और कवि तो होते ही हैं, लेखक तो होते ही हैं, चित्रकार तो होते ही हैं, कलाकार तो होते ही हैं, तो वो अद्वितीय स्मृति जो आपको, जिसके बारे में हिमांशु ने चर्चा की थी एक बार, कि भाई वो बहते हुए समय में से या बहते हुए रिदम में से अगर आपने एक कटोरा ले लिया, तो मतलब कटोरा लेने का जो क्षण है वो अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है और वो अगर सही समय पर क्लिक हो गया तो उससे ज्यादा अच्छी और क्या बात होगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। और तीसरी बात ये भी है कि कैमरा और इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ये कभी भी मनुष्य की सृजनात्मकता का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि कैमरे का व्यू फाइंडर है, उसके पीछे जो आंख है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि कैमरा। आप अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा, करोड़ों रुपए का कैमरा अगर किसी अनाड़ी को पकड़ा दीजिए तो वो तस्वीर नहीं खींच पाएगा, लेकिन हमारे मित्र सुभाष ओलानिया, सुभाष भार्गव और एनएस ओलानिया और सूरज एन शर्मा और खजान सिंह, या ये लोग जो तस्वीरें खींचा करते थे उस समय, इतने सस्ते छोटे कैमरों से जो तस्वीरें मैंने देखी हैं उनका आज भी कोई मुकाबला नहीं। तो मनुष्य की सृजनात्मकता, उसकी रचनात्मकता, उसकी अंतर्दृष्टि वही इम्पोर्टेंट है और वही तस्वीर में आनी चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि कैमरा एक टाइम मशीन है
और इसका बहुत सावधानी से और अच्छे रूप में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसके साथ जो सारे खतरे जुड़े हुए हैं पोर्नोग्राफी के और न्यूडिटी के और इस तरह के, तो उससे भी हमको बचना चाहिए, बचाया जाना चाहिए यंग जनरेशन को, खासतौर पे क्योंकि अभी जो एग्रेशन अभी इस समय 21st सेंचुरी में इंटरनेट पे जिस तरह की बेहूदगी आपको चारों तरफ से देखने को मिलती है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इसका आविष्कार किसी अच्छे काम के लिए ही हुआ था लेकिन इसका बुरा पक्ष भी है, तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि इसके अच्छे पक्ष की तरफ ही हम एक तरह से इसको ग्रहण करें। और आधुनिक होने का, जीवन में आधुनिक होने का मायना केवल यही है कि हम अपने बदलते हुए समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी रचनात्मकता को मोल्ड करें, उसको अर्थ दें और मानवता के व्यापक हित में, चाहे वो एस्थेटिक्स का हित हो, चाहे चित्रकला का हो, चाहे संगीत का हो, चाहे वो प्रेम का हो, हम उसकी तरफ अपनी कला को मोड़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो चर्चा है ये बड़ी बेहद अहम चर्चा रही है। इसमें हमने दर्शन को छुआ, इसमें हमने जिंदगी को छुआ, जो जिंदगी से जुड़ी हुई फोटोग्राफी है उसको, उसके मर्म को हिमांशु जी ने बतलाया, महेश जी ने उसके तकनीकी पक्षों की व्याख्या करी और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से करी, बड़ी प्रेरक करी। महेश जी धन्यवाद आप सभी का, हेमंत सर धन्यवाद, हिमांशु जी बहुत बहुत आपका आभार, आप स्टूडियो में आए और आपने अपना अमूल्य समय दिया और ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हम सभी को रोशन करे, हम सभी को इन तस्वीरों के मार्फत अपनी स्मृतियों से जोड़े, स्मृतियों को बाहर लाए, तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। टीम शुक्रिया, सिटी लाइव का शुक्रिया कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को संभव किया, आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार। नमस्कार। Live, a platform to sharing your thoughts.